बेखौफ अपराधियों ने देर रात किराना व्यवसायी को गोली मार दी। वहीं गोली मारने के बाद काउंटर में रखे 15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। लूटपाट की यह वारदात कुचायकोट के सासामूसा NH57 पर बजरंग टॉकीज के पास की है। मृतक किराना व्यवसायी का नाम हरेराम सिंह है। वे कुचायकोट के बाबू सिरसिया गांव के रहने वाले थे। मृतक के बेटे निशु कुमार ने बताया कि कल बुधवार की देर रात वे अपना किराना दुकान बंद करने की तैयारी में थे। इसी दौरान कुचायकोट की तरफ से दो बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे। अपराधियों ने दुकान के आगे बाइक खड़ी करने के बाद दुकान में अंदर घुसे। उन्हें लगा कि वे कुछ खरीदारी करने आए हैं, लेकिन अपराधियों ने दुकान में घुसकर काउंटर पर पैसे का हिसाब कर रहे हरेराम सिंह को गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी बाहर निकले और बेटे निशु का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गए। उससे पैसे के बारे में पूछताछ की, फिर काउंटर में रखे 15,000 लूट कर बाइक से फरार हो गए। वारदात के बाद हरेराम सिंह को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद लोगों में डर और आक्रोश व्याप्त है। बहरहाल SP आनंद कुमार ने कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। घटनास्थल के आसपास की दुकानों के CCTV फुटेज भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। सदर SDPO संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर मामले की पड़ताल की जा रही है। बहरहाल पीड़ित परिजनों ने अभी लिखित आवेदन नहीं दिया है। NH से आया लो कुचायकोट के तरफ से, और उसके बाद से बाइक रोका लो, तो हम बाहर खड़े थे, तो हम मुझे कोई सामान लेने आया लो, उसके बाद से अंदर घुसा लो, तो हमें ध्यान नहीं था, फिर गोली मारा लो, तो फिर हमको बाहर से पकड़ कर ले गया लो, और पकड़ कर ले जाने के बाद से कहा लो कि बता पैसे कहाँ है, तो और पैसे लूट ले लिया था लो, और उसके बाद से भाग गया लो। स्प्लेंडर गाड़ी से था लो 4 आदमी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।